नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दूरदर्शन समाचार आपके लिए लेकर आया है विशेष योग कार्यक्रम की श्रृंखला, जिसके तहत हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक हम योग के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के लिए योग। जी हाँ, योग स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है और कैसे योग के माध्यम से बीमारियों से बचा जा सकता है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, साथ ही डॉक्टर पूर्णिमा दाते हैं, जो कि योगाचार्य हैं और नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में उनका अपना एक विशेष अनुशासन है, उनका एक विशेष उसमें अधिकार है। तो हम दोनों से बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम योग को लेकर डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी से। डॉक्टर पूर्णिमा जी, योग की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी साथ में जुड़ जाता है, नेचुरोपैथी भी जुड़ जाती है। तो अगर योग को सरल शब्दों में समझा जाए, अगर आम व्यक्ति जानना चाहे, योग मतलब क्या? असल में योग का आजकल फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट ही देखा जाता है। अगर उसको पूरी तरह से विचार किया जाए तो योग मतलब हमें अपने आप को सकारात्मक बनाना, रचनात्मक बनाना और हमारे जीवन में इस मार्ग पे बढ़ना कि हम सांसारिकता से मुक्त होकर भी सांसारिकता में रहकर जी सकें। और आजकल जो जिस तरह की समस्याएं जीवन में आ रही हैं, तनाव लगातार होते ही रहते हैं, तो तनाव के बीच में, तनाव में रहते हुए आप अपने आसपास का वातावरण कुछ ऐसा बनाएं कि वो तनाव से रहित हो जाए और आप स्वयं भी मुक्त हो सकें तनाव से। जी बिल्कुल, तनाव रहित हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए, ये योग का प्रमुख एक काम है, जो योग करने वालों के लिए एक तरह से वरदान की तरह होता है। और योग से संबंधित बात करने के लिए रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही आध्यात्मिक उनका भी है वो, और काफ़ी योग को लेकर काफ़ी उनका भी एक अध्ययन है अपने आप में। रमेश जी, सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि योग मतलब क्या, योग को लेकर अगर आप योग की बात करें तो आम इंसान योग को लेकर क्या समझे, क्योंकि कई तरह के योग हैं, कई तरह के प्राणायाम हैं, कई तरह की विधाएं हैं उसमें। देखिए, मोटे तौर पर योग का अगर आप शब्द का अर्थ देखेंगे तो योग का मतलब है जुड़ना। जी, अब जुड़ना किससे जुड़ना? स्वयं से जुड़ना और संसार से जुड़ना। अगर आप, हमको बाहर जो चेहरा दिख रहा है एक व्यक्ति का, अगर आप भीतर झांक करके देखेंगे तो इसके 5 लेयर हैं। एक तो ये शरीर है, इंद्रियां हैं, ये हाथ मूवमेंट कर रहा है, आंख घूम रही है, नाक घूम रही है। इसके बाद दूसरी जो परत आती है वो चेतना की आती है। कोई चेतना है जो आंख को चला रही है, झपका रही है, उंगली को मटका रही है, ये आती है। तीसरा एक मन आता है जो इंद्रियों को आदेश देता है कि ये चश्मा उठा लो या गुलाब जामुन उठा के मुंह में रख लो, मन का भाव आता है। फिर ज्ञान का भाव आता है, फिर आत्मा का भाव आता है। इसे योग की भाषा में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आत्मय कोश कहा गया। तो योग इन 5 चीजों को जोड़ता है। उसका एक, आप अगर जीवन में देखेंगे, कई बार हम गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन मन हमारा कहीं भटक रहा होता है, ठीक है, हम कहीं भ्रम में भी आ जाते हैं। हमको पता है कि रास्ता इधर है, वो भ्रम में आ जाना, अगर जहां हम भ्रम में आते हैं वो गड़बड़ी ज्ञान की है। मन अगर कहीं दूसरी जगह भटक रहा है, किसी फिल्म में किसी झगड़ा हो गया, तो ये मन की बात हो गई। और ढंग से पैर शून्य हो गया और ढंग से ब्रेक नहीं दब रही, ये शरीर की चेतना की बात होती है। योग जो है इन शरीर के 5 चीज़ों को जोड़ता है। जब आपको जिस इंद्रिय को जितना संचालित करना हो, उसमें जितनी चेतना भेजना हो, जितना उसका मन का एकाग्रता की जरूरत हो, जितनी ज्ञान, उन सब चीजों को योग इकट्ठा करता है, तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे। जी बिल्कुल, संपूर्ण चीजों का जो है वो योग ही योग है। जिस तरीके से मन है, चेतना है, शरीर है, जब सभी चीजें आपस में जुड़ती हैं तो योग कहलाती हैं। ये कहना है रमेश शर्मा जी का, बहुत बड़ी अच्छी बात बोली आपने योग को लेकर, किस तरीके से योग जो है जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अगर उसके एक वैज्ञानिक स्वरूप की बात की जाए, आप डॉक्टर हैं, तो योग जो है व्यक्ति के शरीर को किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, जैसा शर्मा जी ने बताया पंचकोश के बारे में, ये पंचकोश का फिजियोलॉजिकल स्वरूप भी है जी। अब मान लीजिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए आपके सामने आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है और आपको उसको तुरंत ब्रेक लगा के क्रिया करनी है, प्रतिक्रिया करनी है,
तो आपकी योग्यता जो उन्होंने बताई उस तरह से होना चाहिए, लेकिन वो योग्यता आए कैसे? तो इसमें हमारे शरीर की फिजियोलॉजी कुछ समझने की ज़रूरत है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से संचालित होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर उसके आगे थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रेस जनरेट करती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट करती हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड तब सक्रिय होती है जब अचानक हमें कोई स्ट्रेस आ जाए, तो वो जल्दी से कुछ हार्मोन सीक्रेट करके और हमें चालित कर देती है। तो बार बार ऐसे स्ट्रेस आते हैं और वो बार बार चालित होती है, तो फिर हमारा एक हमारे शरीर के अंदर एक पैरासिम्पेथेटिक और एक सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये हमेशा हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय रहता है, और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमें तीव्र क्रिया के लिए प्रेरित करता है। यदि हम पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का उपयोग ना हो हमारे शरीर में, तो ये जो तीव्र प्रतिक्रिया या क्रिया के दौरान हमारी एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, खर्च हुई है, उसको फिर से रिकवर करने की प्रक्रिया रुक जाएगी। और ये ना रुके इसलिए हम अगर योग करते हैं तो हम उस तनावग्रस्त स्थिति से बड़ी आसानी से, बड़ी शीघ्रता से वापस अपनी नॉर्मल स्थिति पे आ जाते हैं। और वो नॉर्मल स्थिति पे आने के कारण हमारी बहुत सारी एनर्जी खर्च होने से बच जाती है। एड्रिनल ग्लैंड या स्ट्रेस हार्मोन जितने भी हैं वो एक्स्ट्रा सीक्रेट होने से बच जाते हैं, और ये सीक्रेट कम होने के कारण हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत शुरू होने के कारण हमारी ऊर्जा की बचत होती है, और हम रिलैक्स होके और बड़ी आसानी से फिर से दूसरे काम में फिर उसी सक्रियता से लग सकते हैं। जी बिल्कुल। तो योग जो है, योग से इंसान खुद को नया जीवन भी दे सकता है, बशर्ते कि जीवन में उसे अनुशासन और योग पर विश्वास रखना होगा। भोपाल की अपर्णा ने योग के जरिए कैंसर को भी ठीक कर लिया है। सर्जरी और कीमियोथेरेपी के बावजूद भी अपर्णा ने हार नहीं मानी और कैंसर को भी मात दी है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 2013 में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। एक महीने के भीतर सर्जरी और फिर कीमोथेरेपी शुरू हो गई। अपर्णा को जैसे ही कैंसर के बारे में पता चला, उन्होंने योग करना शुरू कर दिया। योग की वजह से अपर्णा को कीमो के साइड इफेक्ट से होने वाली तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन सर्जरी के बाद उनके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। मेडिकल साइंस के मुताबिक उनका दाहिना हाथ आज भी डेड अवस्था में है, लेकिन योग और योग में विश्वास के जरिए अपर्णा ने इस हाथ जीवित कर लिया है। 2013 का स्टार्टिंग मेरे लिए कैंसर की जर्नी को लेके आया था। पूरा साल मेरा एलोपैथ ट्रीटमेंट पूरा चला। सबसे पहले सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैंने शुरुआत से ही सर्जरी के साथ ही योग और प्राणायाम मैं कंटिन्यू लगातार किया। साथ में जो आहार संबंधी नियम थे वो तो फॉलो किए ही, लेकिन धीरे धीरे शरीर को व्यायाम के थ्रू बहुत स्ट्रेंथ मिलने लगी, प्राणायाम के थ्रू श्वास आदि पे नियंत्रण मिलने लगा, तो कीमो के साइड इफेक्ट नहीं होते थे। तब ये अनुभव होने लगा था कि हाँ, यदि कैंसर है तो भी हम यदि प्राणायाम लगातार कर रहे हैं तो कीमो के साइड इफेक्ट हमेशा कम हो जाते हैं, ये मैंने हमेशा उसमें महसूस किया। लास्ट 2 इयर्स से कोई मेडिसिंस नहीं है किसी भी तरह की, एक नॉर्मल लाइफ चल रही है। जब से कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हेल्थ अवेयरनेस के रूप में लिया और स्वयं इसके जागरूकता संबंधी बहुत अभियान चलाए, आज लोग सामान्य रूप से पहले की अपेक्षा ज़्यादा योग करते हुए दिखाई देते हैं। अपर्णा को सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने गाड़ी ना चलाने और भारी सामान ना उठाने की सलाह दी थी, लेकिन आज अपर्णा ना सिर्फ दाहिने हाथ पर वजन रखकर योग के सारे आसन करती हैं, बल्कि स्कूटर भी चलाती हैं। अपर्णा की सास बताती हैं कि जब इस बीमारी के बारे में पता चला था तो परिवार पर पहाड़ टूट गया था, लेकिन अपर्णा की इच्छा शक्ति और नियमित दिनचर्या ने आज उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। क्या जैसे जब मालूम पड़ा तो थोड़ी देर के लिए तो सबके होश उड़ गए कि ये बीमारी एकदम से कैसे आ गई, क्योंकि उसको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ गया था। उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे उसके, मगर उसके बाद में फिर ऑपरेशन हुआ। वो क्या कहते हो, क्या उसकी विल पावर तगड़ी थी, मुझे ठीक होना है, तो उसकी वजह से वो और विश्वास था योगा के ऊपर, क्योंकि वो योगा सिखाती है स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कॉलोनी में भी, जिसको भी लगता है
कि ये चीज़ें, तो वो आगे होके बताती है आप ये वाली एक्सरसाइज करिए इससे आपको फ़ायदा होगा। तो उसे खुद वो किया और वाकई उसको फ़ायदा हुआ। स्कूटर चलाने का मना कर दिया, सब कुछ मनाने को करा, मगर उसने अपनी इच्छा शक्ति से योग के द्वारा अपने आप को इतना सक्षम बनाया उसने कि आज स्कूटर चलाती है। कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो नहीं करती है। इवन घर का सब कुछ, झाड़ू बर्तन कपड़ा सब कुछ उठा धरी सब कर लेती है। इसमें सुबह फास्ट वॉकिंग करने जाती है, सारे गेम्स खेलती है वो, बाहर नहीं होता तो घर पे भी खेलती है, सब काम करती है वो और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती है। योग उतना ही ज़रूरी है जैसे आज की डेट में अपन खाना पीना खाते हैं, वैसे अपन को स्वस्थ रहने के योग सबसे पहले ज़रूरी है। अपन जी कहानी तो बहुत सोचने वाली है, उनका जो आत्मविश्वास है उसको सुन के और देख के ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता और आएगी। पेशे से संस्कृत की टीचर अपर्णा आज देश भर में योग के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं। अपर्णा को उनकी इस इच्छा शक्ति के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। अपर्णा अब न सिर्फ योग करती हैं, बल्कि और फिट रहने के लिए खेलकूद को भी उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास हो तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी योग के जरिए ठीक कर सकते हैं। भोपाल की अपर्णा ने न सिर्फ कैंसर को ठीक किया है बल्कि आज मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे दी है। अपर्णा आज उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, और अगर वो योग को अपनाते हैं अपने जीवन में तो उससे भी वो ठीक हो सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन मुकेश बगल के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल आपने देखा हमारी इस विशेष रिपोर्ट में कि किस तरीके से योग के माध्यम से असाध्य रोगों को भी साधा जा सकता है, उन पर विजय पाई जा सकती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमने दिखाई एक स्टोरी आपको। डॉक्टर पूर्णिमा, आप जानना चाहूँगा किस तरीके से योग जो है बीमारियों को रोकथाम में सहायक होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो उसको रोकथाम करती हैं? देखिए, जब बीमारी की अवस्था होती है तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, बीमार इंसान नकारात्मक होता है, उसके अंदर की बीमारियाँ उसे निराश करती हैं। जब हम योग के साथ जुड़ जाते हैं तो वो जो सकारात्मकता आती है उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात उसके अंदर परिवर्तन होता है, वो ये कि आप जैसे अभी उन्होंने अपर्णा जी ने बताया है कि दिनचर्या का उन्होंने बहुत पालन किया, आहार नियम का पालन किया, ये सारी सोच कैसे अंदर पैदा हो। यदि वो योग ना करती होती तो उन्हें लगता कि अभी नहीं खाना खाते, अभी सो जाते हैं, अभी तो ये मन नहीं कर रहा, अभी तो वो मन नहीं कर रहा, ऐसा करते करते दिन सारा गुजर जाता है। दिनचर्या अस्त व्यस्त होने के कारण उसके परिणाम शरीर को भुगतने पड़ते हैं और साथ में टॉक्सिमिया भी बढ़ता जाता है शरीर में। मेरे पास अनेक ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सुबह नहीं उठ सकते जल्दी, लेकिन जब वो योग करने लगते हैं तो उनको एहसास होने लगता है कि अब हमें इच्छा होने लगती है सुबह जल्दी उठने की, अब हम रात जल्दी सोना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है सुबह जल्दी उठेंगे योग करेंगे तो मजा आएगा। ऐसे बहुत सारी परिवर्तन धीरे धीरे करके हमारे जीवन में होने लगते हैं। जी बिल्कुल, तो योग कहीं ना कहीं जीवन में एक अनुशासन भी लाता है, वो वही अनुशासन है जो कि जीवन को संतुलित करता है और तमाम तरह की व्याधियों पर विजय पाने का जो है वो रास्ता बनाता है। वक्त हो चला ब्रेक का, जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बेसुधी पड़ी थी सड़क के किनारे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे लिए सिर्फ बोल नहीं रहे थे, कुछ कर भी रहे थे। एम्बुलेंस, आज मैं जिंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक घायलों की मदद करने वालों से पुलिस अस्पताल कोई पूछताछ नहीं करेगी, तो अब दुआ कमाने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि अब सरकार है आपके साथ। भारत का मौसम विभाग अत्याधुनिक है और गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह आवश्यक है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें। चेतावनी की जानकारी हमें SMS, रेडियो, TV, अखबार इत्यादि से मिल सकती है। चेतावनी की जानकारी को अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, कर्मचारी, विद्यार्थी और जिनके भी संपर्क में आए उन तक पहुँचाए। कलर कोड्स को समझिए और गर्मी से बचने की तैयारी कीजिए। येलो अलर्ट यानी गर्म दिन, ऑरेंज अलर्ट यानी ज्यादा गर्मी की चेतावनी, रेड अलर्ट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।
के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए योग। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी। डॉक्टर साहब, तुमने बात करी किस तरीके से जो शरीर को जो है योग कितनी प्रभावित करता है और बीमारियां रोकथाम करता है। अगर रमेश जी बात की जाए अगर योग की, तो योग भारत की सदियों पुरानी धरोहर है, एक संस्कृति है, एक लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से योग का प्रचार प्रसार हुआ है और आम लोगों तक पहुँचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया 21 जून को, उसके बाद से पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं जितने भी देश हैं वो योग को लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं, वो लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप, आम जन तक पहुँचना योग का इतना प्रचार प्रसार? देखिए, मोटे तौर पर आम जन हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ की तरफ दौड़ता है जी। भारत के चिंतन में और पश्चिम के चिंतन में एक मामूली अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। हमने ऐसी कोशिश की है, जैसे मान लीजिए बीमारी है, हमारा प्रयत्न ये था कि बीमारी आए नहीं। पश्चिम का प्रयत्न था बीमारी के बाद का इलाज, ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो योग एक ऐसी चीज़ है कि बीमारी नहीं आए। ये शरीर पर इस तरह काम करता है, जिस तरीके से आप अगर औषधि खाते हैं, औषधियाँ आपकी बीमारी ठीक नहीं करती। आपके शरीर के अंदर वो अवयव होते हैं, वो कोशिकाएँ होती हैं, वो ऊर्जा होती है जो उस बीमारी को ठीक करती है। दवाई जब हम खाते हैं वो हमारी उन कोशिकाओं को जागृत करके दवाई और बीमारी पर नियंत्रण करता है। तो ठीक, और योग जो है, जैसा कि अभी हम देख रहे थे उनका एक कार्यक्रम अपने अर्पणानंद जी का देखा, तो स्वाभाविक रूप से योग ने उनकी उन कोशिकाओं को जागृत किया होगा जिसने कैंसर को ठीक किया। तो भारत ने इस लिए योग को विकसित किया था, लेकिन लगातार कुछ बीच का अंधेरे का दौर ऐसा बीता, हम अंधेरे में रहे, आक्रमण में रहे, गुलामी में रहे, हमारी चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई। धीरे धीरे जब से आज़ादी आई है हम अपने पन्ने पलट करके देखते जा रहे हैं। वो फिर ये जो सरकार अभी केंद्र में है जी, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा काम करती है। तो उनको ये लगा कि योग से अगर हम दुनिया में बात करेंगे तो उससे दो काम होंगे। एक तो कहीं ना कहीं इससे मानवता की रक्षा होगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, जागरूक रहेंगे, वो सकारात्मक रहेंगे। योग अकेले शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, वो आपको सकारात्मक ऊर्जा भी देता है, व्यवहारिक बात सकारात्मक सोच विकसित होती है उससे कहीं ना कहीं। एक दूसरा उसमें एक गंभीरता आती है, ये जो आज हम पीढ़ी को देख रहे हैं कि आँख का कनेक्शन और कान का कनेक्शन सीधा जुबान से होता है। आदमी ने सुना और रिएक्शन किया, देखा और रिएक्शन किया, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जो लोग योग करते हैं वो कहीं ना कहीं बात को सुन करके, देख करके, पहले उनके ज्ञान में कोश में जाएगा, फिर अभिव्यक्त करेंगे। तो ये लगा नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को, कि व्यक्ति की अच्छा भी होगा और भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा भी बनेगी। इसलिए उन्होंने जाकर के यूएनओ में ये बात कही और रखा। और फिर न केवल उन्होंने ये कहा, उसका प्रेजेंटेशन दिया, उसका साहित्य दिया, और फिर एक ऐसे पूरी दुनिया ने एकदम आंख बंद करके मोदी जी की बात को स्वीकार नहीं कर लिया। उस पर चूंकि एक अध्ययन रिसर्च पहले से चल रही थी, तो खास तौर से इसको अरबिक नाम से जो व्यायाम चलता था वो योग का बदला हुआ रूप है। जी जी। इस पर अगर आपने देखा होगा, मैक्स मुलर जी की एक किताब है जो 1882 का पब्लिकेशन है, उन्होंने कहा कि भारत से ज्ञान बेबीलोनिया में गया और बेबीलोनिया से अरब में गया और अरब से पूरी दुनिया में गया। इसलिए इस जो व्यायाम का तरीका था उसको अरबिक नाम पूरी दुनिया ने कहा, लेकिन जब उन्होंने उसके मूल योग को देखा तो पूरी दुनिया ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें एक बहुत सावधानी की बहुत जरूरत है देखने की। मैं पिछले कुछ दिनों से क्या देख रहा हूँ, योग एक फैशन में आ रहा है, आदमी दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए कि हाँ हम योग कर रहे हैं। इसमें प्रदर्शन से उनको दूर रह करके योग का जो मूल उसका है, खासतौर से यम नियम संयम आहार, वहां से जो ध्यान धारणा समाधि वहां से जो शुरू होता है, तो उनको सबसे पहले यम नियम संयम और आहार कहीं ना कहीं ये जीवन में ढालना होगा। अगर यम नियम संयम आहार नहीं होगा तो उनके ऊपर ध्यान धारणा समाधि पूरी नहीं हो सकती, जिसमें व्यक्ति एक विराट बनता है, वो उसका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा बनता है, वो यहाँ बैठ करके पूरे संसार के बारे में विचार करता है। मैंने कई ऐसे योगाचार्यों को देखा कि जो योग पूरा अगर करते हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं ये बात उनको पता लग जाती है। ये आपने देखा होगा, ये जो आजकल विज्ञान ने जिसको कहा है कि वो ऑरा व्यक्ति के पास जाता है और उसका संदेश लेकर के आता है, वो संदेश पहुंच भी जाता है,
ये अगर विकसित होगा तो योग से ही विकसित होगा, लेकिन उसको सिस्टम से करने की जरूरत है। रमेश जी एक बात और, जैसे आपने बात करी कि बीच में जो अंधकार का काल रहा और हमने ये देखा है कि जैसे पश्चिम जो था कहीं ना कहीं पूर्व की जो धरोहर है संपदा है उसकी तरफ लौट रहा था, उसके ज्ञान की तरफ लौट रहा था। कई यूरोपियन कंट्री जैसे हम वृंदावन जाते हैं, हम उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ मठों में मंदिरों में आश्रमों में देखते हैं कि बहुत सारे जो यूरोपीय लोग हैं पश्चिम के लोग हैं वहाँ आकर वो योग सीख रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, प्राणायाम सीखते थे, लेकिन हमारे यहाँ ही उतना पहले कुछ बीच में समय का अंतराल था उसमें इतना ज़्यादा लोगों में चेतना नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय में जो चेतना जागृत हुई है और कहीं ना कहीं योग का प्रसार जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूप में बढ़ा है और इसको एक मान्यता मिली है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। निश्चित रूप से ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो अंधेरे का काल था उसके कारण हमारे पास 1000 वर्षों तक केवल दो ही काम बचे थे, एक पेट भरना और प्राण बचाना। हम भागते फिरे तो सारा योग सब सिस्टम दूर होकर चला गया हमको, फिर पेट भरने की, फिर हमको जो लोग विजेता रहे हमको लगा कि ये लोग बहुत महान है, हमने उनकी नकल करना शुरू की। ये नकल की मैं प्रसंग से हट करके आपको बताऊं, ये नकल की पराकाष्ठा है कि हम कुत्ता भी पालेंगे तो विदेशी कुत्ता ही पालेंगे, ये कहीं ना कहीं उस नकल की पराकाष्ठा। तो हमने सारी चीजें छोड़ दी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही हमने अपने अतीत के पन्ने पलटे और उसमें जो जीवन को सुंदर बनाने की चीजें देखी हैं और ये देखा है कि हमारा चिंतन बाहर के चिंतन से एक कदम हमेशा आगे है। इसके दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं प्रसंग हट करके। दूध से मक्खन पूरी दुनिया ने बनाया, बटर और सारी दुनिया में अलग अलग भाषा में नाम मिल जाएंगे, लेकिन मक्खन से आके घी केवल भारत ने बनाया, इसलिए दुनिया की हर भाषा में घी का उपयोग घी ही है। जिस तरीके से प्रसन्नता है, हैप्पीनेस पूरी दुनिया ने खोज ली, लेकिन प्रसन्नता के बाद आनंद की जो स्थिति है वो केवल भारत की खोज है और वो योग के माध्यम से ही मिलती है। तो जब लोगों ने ये सारी बातें देखी तो हम अपने योग की तरफ लौटे और लोग व्यायाम करने लगे। उसको व्यायाम तो एक बहुत उसका प्रारंभिक रूप है, केवल व्यायाम उसका एक पार्ट है, व्यायाम योग नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिर हम उसकी तरफ लौटे और उसका फिर जो आनंद होता है, उसका जो सुख होता है वो लेने लगे और हम पूरी दुनिया को अब ये बात बता रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, पूरी दुनिया को हम ये बात बता रहे हैं और पूरी दुनिया इस बात को सहर्ष स्वीकार भी कर रही है और उस रास्ते पे चल भी रही है। योग ने यूं तो लाखों लोगों की जिंदगी को न केवल बदला है बल्कि उन्हें प्रेरणा भी दी है कि वो और लोगों को योग करने के लिए प्रेरित कर सकें। आज हम ऐसे ही शख्स की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने योग से कई जिंदगियों को बेहतर किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल के रहने वाले ये हैं सुरेश रमनानी। सुरेश पिछले 27 सालों से न केवल लोगों को नियमित योग सिखा रहे हैं बल्कि हजारों लोगों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ भी कर चुके हैं। भोपाल स्थित मंत्रालय में शासकीय नौकरी करने वाले सुरेश नियमित अपनी नौकरी के साथ ही सुबह और शाम लोगों को योग का प्रशिक्षण देते हैं। सुरेश रमनानी योग विद्या में MSc गोल्ड मेडलिस्ट और PhD स्कॉलर है। भारत सरकार के ग्लोबल योग ट्रेनर के रूप में भी वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सालों से प्रैक्टिस चल रही है और हर उम्र के लोग बाग यहाँ आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों कॉमनली साधना करते हैं। इस साधना में बेसिकली हम लोग योग आसन प्राणायाम मुद्रा बंद ये सब सिखाते हैं। और एक चीज़ और देखने में आई है कि अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीसेस जो मोटापा है या जिसे ओबेसिटी कहा जाता है या फिर डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, कैंसर समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले इन समस्याओं को अगर 2011 की स्थिति में देखें तो ये केवल 27% थी, लेकिन अभी जो है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो 64% पहुंच गई हैं। तो देखा जा रहा है कि बाहर हमारा पर्यावरण है वो अशुद्ध है, खाने पीने की समस्याएं हैं, कुछ लोग उनकी नियमितताएँ गड़बड़ हैं, कुछ लाइफस्टाइल गड़बड़ है। तो जो हमारे योग साधक आते हैं वे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर हो गए हैं और आप चाहें तो उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। सुरेश कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने आज विश्व भर में योग को एक अलग पहचान दिलाई है और आज समूचे विश्व में लोगों ने योग को अपना कर उसके सकारात्मक परिणाम भी पाए हैं। वहीं सुरेश रमनानी से योग सीख रहे लोग भी योग की सफलता की कहानी अपनी जुबानी कहते हैं। पैरों को खोल दीजिए, विश्राम अवस्था। उन्होंने इतने अच्छे तरह से इस योग को हाईलाइट किया है जो हमारे एक
पूरे इंडिया को परिवर्तित कर देगा, ये हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा, बिल्कुल उसको भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो हमारे जो बचत है, हमारे परिवार की बचत है, वो कामयाब हो सकेगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 15 लाख रुपए एक एक की जेब में आएंगे, तो अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि 15 लाख आपके बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। मैं कम सर से करने 5 साल से जुड़ा हूँ। मेरा घुटने का ऑपरेशन था, मैं चल नहीं पाता था, उठ नहीं बैठ पाता था, लेकिन जब से मैं योग में आया हूँ अब मैं चल फिर सकता हूँ, योग कर सकता हूँ, योग कराता भी हूँ कभी कभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है। और सर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। ब्रोंकाइटिस की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, मतलब इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, नेबुलाइजर लेना पड़ता था बहुत फ्रिक्वेंटली, तो अब काफ़ी रिलीफ है, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई, इंसिडेंट ऑलमोस्ट जीरो है ब्रोंकाइटिस के, बहुत रिलीफ है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत थी, सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। मैं 5 साल से योगा कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें मैं अब बताऊँगी तो मतलब वो तो बहुत टाइम कम है, तो हाल में ही मैं पिछले साल मेरा गला ख़राब हो गया था, मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी, मैंने एम्स में दिखाया और यहाँ पे जो बड़े बड़े ENT हैं उनको दिखाया, उन सब ने मेरे को ऑपरेशन बोला, बोले आपका गले का 35-40 हज़ार 50 हज़ार लगेंगे, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। हमें क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई हूँ तो मैंने अपने योगा टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमें गले के योग करवाए और जैसे मतलब वो नेचुरोपैथी भी करते हैं तो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया मैंने और मेरी आवाज़ वैसी की वैसी है और सबको आश्चर्य हुआ। योगा से जुड़ने के बाद मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है, फिर वो चाहे शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक स्तर पे। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब इतने अच्छे योग शिक्षक मिलते हैं हमें, उनके सानिध्य में रह के ही हम लोग बहुत अच्छी तरह से योगा करना सीखे हैं। और मैं अपने बच्चों को इंस्पायर करती हूँ, भले ही उन्हें टाइम नहीं मिलता बट वो उन्हें घर में ही थोड़ा बहुत जो भी आता है योगा कर लेते हैं, क्योंकि इससे मानसिक स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। योग ने लगातार लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए हैं, इसके कई उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में कई जगहों पर योग जो है वो नियमित रूप से लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और पिछले 5 सालों से जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को स्थापित किया गया, लोगों में योग के प्रति जो पहले से आस्था जो थी वो कहीं ज़्यादा बढ़ी है, और इसके कई परिणाम जो हैं अच्छे परिणाम वो भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष शेषकर के साथ दीपक जैन, DD न्यूज़ भोपाल। जी बिल्कुल, आपने देखी भोपाल से सुरेश रामानी जी की स्टोरी कि उन्होंने किस तरीके से योग को खुद तो अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया ही, साथ ही हजारों लोगों को वो प्रेरित कर रहे हैं योग के लिए और खुद उनको निःशुल्क योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। योग की बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर पूर्णिमा से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, योग की अगर बात की जाती है तो योग आजकल कई तरह के योग होते हैं, लोग कहते हैं कुछ कई प्रकार हैं, तो थोड़ा बताएं योग किस प्रकार का होता है, कितने तरह का होता है और किसके लिए क्या योग जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मोटे तौर पे योग ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं आप, जैसे पावर योगा है या कुछ ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन ये सब ऑर्नामेंटल कहे जा सकते हैं। वास्तव में योग मतलब आसन प्राणायाम, जो अभी शर्मा जी बात कर रहे थे जिसकी, जो पतंजलि ने बताया है, शुरुआत उसकी होनी चाहिए यम नियम से ही और यम नियम जीवन में उतारने की चीज है, आसन प्राणायाम परफॉर्म करने की चीज है। तो शुरुआत इसीलिए जो दिखाई देता है सामान्यतः इंसान उसी से शुरुआत करता है, इसीलिए आसन प्राणायाम से ही शुरुआत की जाती है और कई बार आसन प्राणायाम तक ही सीमित भी हो जाता है योग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो आज का जीवन है, जैसे अभी हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे, वो जीवन की भागदौड़ और सीमित समय की बात रहती है, तो इसीलिए आसन प्राणायाम को लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। और फिर जो ये IT का जमाना है, इसमें हमेशा सामने झुक के काम करना है, आंखों पे प्रेशर देना है, ऐसी मोबाइल पे बात करनी है, ऐसी सारी बातें ज्यादा होती हैं, गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं, देखा जाए तो, और AC में रहना है बिल्कुल। तो ये सारी चीजों के विपरीत हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, यदि कोई स्कूल की अध्यापिका है, 3-4 मंजिल रोज चढ़ती उतरती, भागदौड़ करती है, फिजिकल तो बहुत कर लेती है, खड़े होके पढ़ाती हैं, फिर घर आके घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और भी सब करती हैं, लगातार पैरों को ही जोर लगाती रहती है, पैरों का ही इस्तेमाल करती रहती हैं,
यदि वो स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद 5 मिनट के लिए विपरीत करनी कर ले और विपरीत करनी में बिल्कुल रिलैक्स होके पड़ी रहे और दीर्घ श्वास करे, तो उसका जितने भी दिन भर के पैर के जो कष्ट हैं वो सारे 5 मिनट में ही रिलैक्स हो सकते हैं। इसीलिए हर किसी के लिए योग का तरीका अलग अलग होना चाहिए। एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो दिन भर अगर आँख गड़ाए कंप्यूटर में बैठा है, हिलता नहीं है, पानी भी पीने के लिए उठता नहीं है, ऐसे उठा के पानी पी के फिर काम में लग जाता है, तो फिर उसके लिए बैक बेंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए दौड़ना और तेज जो तेजी से करने वाले योग जा रहे हैं कि जो व्यक्ति के हिसाब से उम्र के हिसाब से योग जो है अलग अलग है, व्यक्ति के प्रोफेशन के हिसाब से जो है योग उसके व्यवसाय के हिसाब से अलग अलग तरीके का योग प्राणायाम है वो कर सकता है और जीवन में स्वस्थ। लेकिन सबके साथ यम नियम अत्यंत आवश्यक। बताइए यम नियम क्या है? ये देखिए पतंजलि योग सूत्र में जो यम नियम बताए गए हैं 5-5 हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हैं। और ये जो जैसे है आप उसको उदाहरण के रूप में लें, अहिंसा ही है, तो अहिंसा से हम ये सोचें कि किसी को मारे ना, ये अहिंसा है। लेकिन आपने क्रोधित होके वातावरण को विपरीत कर लिया, चारों तरफ लोग डरे सहमे हैं, तो ये भी तो अहिंसा है। ऐसे ही सत्य यदि हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ नहीं बोलना है ये एक पक्ष है, लेकिन सच को छुपाना जो है वो गलत काम के लिए, मान लीजिए आप सच को छुपा लेते हैं तो ये एक अच्छी बात है, बुरे काम के लिए सच को प्रकट कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें भी योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और आपको जीवन में योग के साथ इन सब चीज़ों को भी पालन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भोपाल के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राम स्वरूप के जीवन में योग ने क्या बदलाव लाया है। राम स्वरूप पिछले कुछ सालों से जेल में अन्य कैदियों के साथ लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। राम स्वरूप बताते हैं कि योग ने उनकी श्वास और ब्लड प्रेशर की बीमारी को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है, साथ ही उनके मन को भी अब इससे शांति मिली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल की सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे रामस्वरूप के जीवन में योग ने एक सकारात्मक बदलाव उत्पन्न किया है। रामस्वरूप पिछले कुछ साल से जेल में अन्य कैदियों के साथ लगातार योगाभ्यास करते हैं। रामस्वरूप बताते हैं कि योग ने उनकी श्वास और बीपी की बीमारी को काफी हद तक दूर कर दिया है, साथ ही उनके मन में उत्तेजक भाव आते थे उनमें भी कमी आई है। योग करने से काफी जीवन में चेंज आया है। एक तो मन की शांति योग करने से और ओम का उच्चारण करने से पूरे दिमाग से लेके नाभि तक एक वाइब्रेशन होता है जिससे बहुत शांति मिलती है। और योग से मेरा वेट बहुत कम हो गया है। मैं बहुत मोटा था और फैट भी था और मेरे को कई बीमारियां भी थी, काफ़ी मेरी बीमारियां, मेरी बीपी की बीमारी भी यहाँ जेल में लगभग ख़त्म सी हो गई है और वेट भी कम हो गया मेरा बहुत। योग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, खास तौर से जो मन में उत्तेजित विचार जो आते थे वो बहुत शांति रहते हैं और शांत रहता है मन और मन विचलित नहीं होता है। योग करने से मानव को बहुत फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि योग का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें और योग करें जिससे कि हर मानव को उसके कल्याण में योग भागीदारी बने। रामस्वरूप की ही तरह ब्रजेश भी जेल में नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते हैं। ब्रजेश कहते हैं जेल के नकारात्मक माहौल में योग और प्राणायाम से उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ये सकारात्मकता सजा पूरी होने के बाद उन्हें एक बार फिर समाज में जुड़ने और आत्मग्लानी के बोध से मुक्त होने में मदद करेगी। योग से खासतौर से योग में कुछ आसन है जिन्हें हम नियमित रूप से करते हैं और भी बहुत सारे बंदी भाई हमारे साथ में करते हैं यहाँ पे, जिनसे उनको बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनसे उनको निजात भी मिल जाता है और थोड़ा सा कुछ चीज़ों में टाइम लगता है लेकिन सतत अभ्यास से और उनको काफ़ी लाभ मिलता है। ध्यान से काफ़ी मानसिक रूप से व्यक्ति काफ़ी स्वस्थ हो जाता है और प्राणायाम से हमारे श्वसन तंत्र में काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव होता है। उसके साथ में हम कुछ मंत्रोच्चार जैसे गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्रोच्चार के माध्यम से हमारे आसपास और हमारे अंदर भी काफ़ी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे ऐसे एक नकारात्मक माहौल में रहने के बावजूद भी हम इतने सकारात्मक तरीके से रह पाते हैं उसका मुख्य योगदान मैं मानता हूँ कि योग ध्यान और प्राणायाम का है हमारे जीवन में। जेल में कैदियों को सकारात्मक माहौल मिल सके इसके लिए प्रशासन भी लगातार जेलों में योग ध्यान प्राणायाम जैसे शिविरों का आयोजन करता रहता है। भोपाल सेंट्रल जेल के अधीक्षक दिनेश नरगवे बताते हैं कि इस तरह के योग शिविरों से
कई कैदियों के व्यवहार और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। स्टार्टिंग से ही जेलों में देखें तो हम लोग जो बंदी होते हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, मानसिक प्रवृत्ति अस्थिर होती है। योग शुरू से ही चल रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छा होता है, उसके बहुत अच्छे हमको परिणाम भी मिले हैं। इस बार जो मैडम मीनाक्षी ने जो नया एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के कि ओम के उच्चारण के मार्फत उनको स्थिर चित्त की प्रवृत्ति की ओर ले जाएं और ध्यान की तरफ ले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध के पीछे ये होता है कि मन की विचलता जो है वो काम करती है। तो इसमें हम लोगों ने 7 दिन का कार्यक्रम रखा और उसके बाद हमने कई बंदियों से बात की तो उन लोगों ने हमको एक्सपीरियंसेस बताए कि जो मन का भटकाव है इधर उधर सांसारिक चीज़ों में और गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो उनको बड़ा हेल्प मिला है। तो हम लोगों ने मैडम से बात किया है हमको इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें और लंबे समय तक ताकि और भी कैदी इसका फायदा उठा सके। जेल का नाम सुनते ही जो नकारात्मक एक छवि हमारे दिमाग में बनती है उस छवि को यहाँ पर रहने वाले जो बंदी हैं उनके भी जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए योग के बाद यहाँ पर लगातार जो इन्हें योग सिखाया जा रहा है उससे इन लोगों के जीवन में काफी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो यहाँ पर मिल रही है। रामकृष्ण जैसे या ब्रिजेश जैसे जो बंदी हैं यहाँ पर उनके जीवन में काफी बदलाव योग के बाद आया है। कैमरा पर्सन संतोष शेजकर के साथ दीपक जैन, सेंट्रल जेल भोपाल, डीडी न्यूज़। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से योग के माध्यम से रामस्वरूप के जीवन में बदलाव आया। उन्होंने अपनी बीमारियों के साथ साथ अपने गुस्से और अपने तनाव पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया है। हम आपको बता दें कि योग को लेकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने विशेष तैयारियां की है और इसके तहत 2 एप्लीकेशन भी जारी किए हैं जिसमें कि भुवन एप्लीकेशन और योग लोकेटर एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से आप उनको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कहां पर योग हो रहा है, कौन आपको योग का प्रशिक्षण दे सकते हैं, कहां पर निःशुल्क प्रशिक्षण आपको मिल सकता है योग का, ये तमाम तरह की जानकारियां, कहां पर क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये सभी जानकारियां आपको इन एप्लीकेशन में सहज ही उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही 2 कैटेगरी में अवार्ड घोषित किए गए हैं, प्रधानमंत्री योग अवार्ड जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-2 अवार्ड योग दिवस पर दिए जाएंगे। रमेश जी, जिस तरीके से प्रयास कर रही सरकार लगातार, आयुष मंत्रालय प्रयास कर रहा है योग को प्रमोट करने के लिए, अवार्ड भी घोषित किए गए हैं, तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं संक्षेप में? नहीं, निश्चित रूप से ये वाकई बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार और खासतौर से आयुष विभाग जिस तरीके से योग को प्रमोट कर रहा है, और ये वाकई अभी जो एक बता रहे थे अभी अपन देख रहे थे कि अगर योग को अपनाया जीवन में तो न केवल हम अपना जीवन सुंदर बना सकेंगे, स्वस्थ बना सकेंगे, सकारात्मक बना सकेंगे, भाई कई असाध्य बीमारियों से भी बच सकेंगे और भारत बाकी जो एक विश्व गुरु के रूप में कहीं ना कहीं सिरमौर कभी रहा है हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर पुरी, मैं आपसे जानना चाहूँगा संक्षेप में, योग को लेकर कई भ्रांतियाँ भी होती हैं समाज में, तो डू और डोंट क्या है, क्या सही है क्या गलत है संक्षेप में? जी देखिए, डूज और डोंट अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है आसन करते समय कि ऐसे सारे आसन जो कि बैकबोन को स्ट्रेंथन करते हैं वो बैक बेंडिंग वाले होते हैं। हम जीवन में फॉरवर्ड बेंडिंग ही करते हैं तो प्रयास करना चाहिए बैक बेंडिंग वाले आसन ज़्यादा किए जाएं क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी ही है। दूसरी बात ये कि जो प्राणायाम वगैरह हैं उसमें कुंभक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ज़रूरत है ध्यान रखने की कि आप अगर हृदय रोगी हैं या कोई ऐसे बड़ी बीमारियों से हैं तो कुंभक आप ना करें तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप आहार नियम का पालन जरूर करें, इसलिए योग की जितनी भी बेसिक किताबें हैं उनको पढ़ के उसमें कुछ योग के डूज और डोंट्स दिए रहते हैं, उन पर एक बार नज़र घुमा के देख लिया जाए तो हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें तो पता ही चल जाती हैं, उनको पालन करते हुए आराम से अपना खुद भी योग कर सकते हैं। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि योग जो है सामूहिक रूप से करने की बजाय अकेले में अपने मन से किया जाए तो उसका प्रभाव ज़्यादा मिल सकता है। एक छोटी सी और, क्या उम्र का कोई बंधन है योग को लेकर? बिल्कुल नहीं, हमारे दर्शकों को बताइए। उम्र का बंधन तो बिल्कुल नहीं है, यदि आप शुरू से योग करते हैं तो आपकी अधिक उम्र का एहसास भी आपको ना नहीं होगा ना समाज को होगा, इसीलिए भी उम्र का बंधन समाप्त हो जाता है। तो आप अपना योग रेगुलर करें और आप 100 साल के भी हो जाएं तो आप 25 वर्ष जैसे ही हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
जी बिल्कुल, तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता, योग में सभी योग कर सकते हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, और योग आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ आने वाली बीमारियों से भी आपका बचाव करता है, मानसिक शारीरिक तमाम तरह की जो व्याधियाँ हैं इस समय उनसे दूर रखता है और तमाम तरह की चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। चर्चा में आज हम इतना ही, लेकिन दोनों मेहमानों का पहले हम धन्यवाद करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। योग से संबंधित अपनी सेल्फी आप हमें हमारे ट्विटर अकाउंट @dd_newsmp पर भेज सकते हैं, जिससे हम हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही आप कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएँ विचार socialconnectmp@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हमारे योग पर चर्चा के विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।